गुरु जी के और अपने हनुमान जी के लिए गंगा जल भी लाए हूँ चरण स्पर्श करने के। टीवी पे देखे हैं? टीवी पे देख करके आप यहाँ पे आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हमें पटना के नौबतपुर में, जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का 13 मई से 17 मई तक यहाँ पे हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है। आइए, यहाँ के जो भक्त हैं उनसे कुछ जानते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। और अभी तो माता जी हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं बताइए, कहाँ से आई हैं आप? नवादा जिला से। नवादा जिला से। पंडित जी को कब से आप जान रहे हैं गुरु जी को? हम पहले बार आए हैं। पहली बार आप आई हैं जी? तो इनको मतलब देखे, अभी दर्शन हुआ कि नहीं गुरु जी का? दर्शन हो गया, कल आए हैं। दर्शन हो गया है? तो अब जाएंगे कि अभी रहेंगे? कितने दिन तक यहाँ रहेंगे? जितने दिन तक कथा होगा कि अभी जाएंगे आप? कथा हो जाएगा तो जाएंगे। कथा हो जाएगा जाएंगे। आप पंडित जी को ज़्यादा मानते हैं या तो हनुमान जी को मानते हैं? हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी को मानते हैं। कहाँ से आई माता जी? गया जिला से। गया जिला से। कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? ठीक लगा। अच्छा लगा। हाँ। पंडित जी को जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हाँ, आप पहली बार उनसे मिली हैं या फिर और कभी कभी मिली? टीवी पर देखे। टीवी पे देखे हैं? हाँ। टीवी पे देख करके आप यहाँ पे आई हैं? हाँ। अर्जी लगाने के लिए आई हैं ना? हाँ। तो कब तक रहेंगे यहाँ पे? अब तो चार गोहत सब। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं? सब चले जाए थे, हम अकेले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप लोग जाइए। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बातें करते हैं। कहाँ से आए हैं माता जी आप? हम तो आए हैं छपरा से। छपरा से आए हैं? हाँ, छपरा से। अच्छा, कितने दिन हो गया यहाँ पे? कितने दिन है, अभी हम पहली बार आए हैं। पहली बार। अच्छा, गुरु जी को आप कब से जान रही हैं? हम गुरु जी के जनवरी से जान रहे हैं। जनवरी महीने से? जनवरी से। तो कैसे, आप टीवी पे देखी थी? नहीं, या अपना यूट्यूब पर देखे हैं। अच्छा, यूट्यूब पे देखे। आप कभी बागेश्वर धाम गई हैं कि नहीं? अभी नहीं गए हैं, आपके जरूर जाएंगे। क्या लगता है, आपका अर्जी स्वीकार होगा इस बार? देखिए, ये गुरु जी के महिमा और ये हनुमान जी के महिमा अब कोई जानता है, इनका पर छोड़ दिए हैं, ये अर्जी लगा देंगे तो अच्छे होंगे। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ में? हमारे साथ में बस हम तीन आदमी आए हैं। अच्छा, तीन आदमी आए हैं। तीन आदमी। चलिए ठीक है। तो पंडित जी को आप मानते हैं? बहुत मानते हैं। हनुमान जी को मानते हैं पंडित जी को? हनुमान जी को मानते हैं, पंडित जी को मानते हैं, गुरु जी के भी मानते हैं। गुरु जी को मानते हैं। लोग कहते हैं गुरु जी ढोंगी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ढोंगी नहीं है, स्वयं भगवान का रूप है। क्या कर रहे हैं? कहने खाते तो किसी के कोई कुछ कह दे रहा जी। है, सब स्वयं भगवान है, प्रभु है वो। आप उनको मानते हैं? बहुत मानते हैं, दिल से भी मानते हैं। दिल से मानते हैं। केवल मैं छपरा जिले से हूँ, जहाँ पे हनुमान जी के ननिहाल है गोंदा सिमरिया में, जो गौतम ऋषि के पास। अच्छा, वहीं से मैं हूँ। अच्छा अच्छा। और अपने गुरु जी के और अपने हनुमान जी के लिए गंगा जल भी लाए हूँ चरण स्पर्श करने के। अच्छा, गुरु जी से अभी मिले कि नहीं आप? गुरु जी नहीं मिले हैं, हमारा आने में 7-8 बज गए, रात रात हो गया। रात हो गया। तो अभी कब तक रुकेंगे यहाँ पे? अभी तक हम रुकेंगे 16 तारीख। 16 तारीख तक रुकेंगे। 15 मई को यहाँ पे दिव्य दरबार लगने वाला है जी। क्या लगता है आपको, आपका अर्जी लगेगा यहाँ पे? ये तो वही जाने, पंचमुख हनुमान ही जाने कि वो हमारा क्या करेंगे जी। जी, वही जाने, हमारे श्री राम प्रभु जाने, ये बागेश्वर धाम बागेश्वर बाबा ही जाने, ओम बागेश्वराय नमः, वही जाने। बागेश्वर धाम जो सरकार है बिहार में, यहाँ पटना में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले काफ़ी विवाद हुआ था कि लोग कह रहे थे यहाँ आने नहीं देंगे, वो भड़काऊ बयान करते हैं, वो हम सुने हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए? नहीं नहीं, वो सब जो कह रहे हैं वो सब ढोंगी है। अच्छा। वो सब का समझ में नहीं आ रहे हैं, भगवान हर हमेशा समझ में किसी को दिल से नहीं आता है जी। जो दिमाग लगाता है उसका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो उनके बारे में कभी गलत बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि जो नहीं जुड़े हैं वो जरूर जल्दी जुड़ जाए। अच्छा, आज जो नहीं जुड़े हैं वो भी समझ करके दिल से अपना ही जुड़ जाए, क्योंकि भगवान से कोई अलग नहीं रह सकता जी। जी, हनुमान जी से कोई अलग नहीं रह सकता, ये प्रभु से कोई अलग नहीं रह सकता, ये प्रभु जिसको मिल जाएंगे उसको सब कुछ मिल जाएंगे। एक बार बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का आस्था है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए और हनुमान जी के लिए। बहुत सारे लोग आए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं कि उनका अर्जी लग जाए।